मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए आध्यात्मिक रहस्य को और ध्यान की विधियों की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का वे करने का मौका मिले। अभ्यास के लिए सभी जॉगिंग शुरू कर दें। सभी को जॉगिंग करनी है। तीन से पाँच मिनट आपको जॉगिंग करनी है लगातार। जॉगिंग करें या फिर तीन से पाँच मिनट भस्त्रिका का खड़े होकर ऊपर दोनों हाथ करते हुए सांस भरें और झटके से निकालते हुए नीचे लाएं, या फिर गहरे लंबे श्वास लें और गहरे लंबे श्वास छोड़ें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे लगातार पाँच मिनट तक करना है। लगातार पाँच मिनट आपको दौड़ना है। जो दौड़ रहे हैं वो दौड़ते रहें, जो भस्त्रिका कर रहे हैं वो भस्त्रिका करते रहें, और जो गहरे लंबे श्वास भर रहे हैं वो गहरे लंबे श्वास लेते रहें। लगातार करते रहें। लगातार करते रहें और जो भी परिवर्तन आपके अंदर आए उन परिवर्तनों को महसूस करते रहें। लगातार जॉगिंग करते रहें। जो भस्त्रिका कर रहे हैं वो भस्त्रिका करते रहें और शरीर में आते हुए परिवर्तनों को एहसास करें। शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को महसूस करें। जो श्वास फूल रहा है उसका एहसास करें। जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को महसूस करते रहें। जो श्वास फूल रहा है उस श्वास को महसूस करें। जो हृदय की गति बढ़ रही है उस हृदय की गति को महसूस करें। जो थकान हो रही है उस थकान को भी महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें। जो भी एहसास आपको हो रहे हैं वो लगातार करते रहें। लगातार महसूस करते रहें। जो भी आपको महसूस हो रहा है उसको महसूस करते रहें और सभी शवासन में लेट जाएं।
शवासन में लेट जाएं, दोनों भुजाओं को, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, पैरों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर कर लें और आँखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों पर ध्यान लगाएं। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, उसको महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ जो शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, उसको महसूस करें। पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर का ख्याल करें। पूरे शरीर को पूर्ण शांत होने दें और पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। श्वासों के साथ श्वासों का आनंद लेते हुए श्वासों के आवागमन को महसूस करें। श्वासों को महसूस करें। जो भी श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसको महसूस करें और प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर और मन दोनों शांत हो रहे हैं। शांत होते हुए विचारों को महसूस करें। देखें प्रत्येक श्वास के साथ आपके विचार शांत हो चुके हैं और आपका शरीर भी शांत हो चुका है। शरीर और विचार दोनों ही पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं। अब अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आज्ञा चक्र पर ले जाएं। और वहां पर जो भी रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है या जो भी ब्लैक या किसी कलर में जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखते रहें। और उस कलर को देखते हुए महसूस करें कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। हर श्वास के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है और आज्ञा चक्र में अपनी चेतना शक्ति के द्वारा लगातार देखते रहें। कोई तनाव पैदा नहीं करना है। कुछ दिखाई दे या ना दे, केवल सजगता के साथ गहराई में डूबते जाना है, शांत होते जाना है और सोना नहीं है। आज्ञा चक्र पर लगातार देखते रहें पूरी एकाग्रता के साथ। पूरी एकाग्रता के साथ देखना है। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। बिल्कुल तनाव रही लेटे रहें और शरीर को पत्थर के समान स्थिर कर लें। और लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहें।
जिस प्रकार पांचवें अभ्यास में हम कोई कहानी की कल्पना यहाँ पर विजुलाइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ आप आगे के अभ्यास में हम कोई कल्पना नहीं देते, यहाँ कोई कल्पना नहीं है, यहाँ ना कोई कल्पना है ना कोई कहानी है। जब आप कोई किन कल्पनाओं को प्रकट होता हुआ देख पाएंगे, उसके बाद जब इस अभ्यास को करेंगे तो केवल यहाँ पर आपको देखना है, कोई व्याख्या कोई विश्लेषण नहीं करना है और साक्षी बने रहना है। जो भी प्रकट हो उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो भी कलर या जो भी दृश्य आपको दिख रहे हैं उनको आपको देखते रहना है, जो भी आपको दिखाई दे उसको आपको देखना है, उस पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जिस बिंदु से जैसे आप कल अंदर प्रवेश किया, यहाँ आपको केवल उस बिंदु को देखते रहना है लगातार, और इस बिंदु में अंदर आपको देखना है और सिर्फ देखते रहना है जो भी आपको कुछ दिखाई दे रहा हो। आप एक दर्शक बनके साक्षी बनकर यहाँ लगातार आपको देखना है, कोई भी रंग आ रहे हो जा रहे हो आने देना जाने देना, कोई भी दृश्य आ रहा हो तो उस दृश्य को भी आने देना जाने देना, कोई भी विचार आ रहा हो तो उसको भी आने देना, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करना। यहाँ कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है, जो स्वयं आ रहा है आने दें, जो जा रहा है उसको जाने दें, बिना किसी क्रिया और प्रतिक्रिया के सिर्फ आपको देखते रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर कुछ दिखाई दे तो ठीक है, और नहीं भी दे तो भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार इस क्रिया को कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप अंतर जगत में प्रवेश कर जाएं। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है, आपको केवल आज्ञा चक्र में देखते रहना है, देखते रहना है, बस देखते रहना है। और देखना भी बिल्कुल सहज भाव से है, कोई जबरदस्ती प्रेशर नहीं डालना है, ना ही कोई तनाव पैदा करना है आज्ञा चक्र पर, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स रखना है और आज्ञा चक्र को भी रिलैक्स रखना है, और रिलैक्स रखते हुए जो भी वहाँ प्रकट हो उसको आपको महसूस करना है। कोई कल्पना नहीं करनी है या ना ही किसी विचार पर कोई कल्पना देनी है,
आपको केवल इस तरह से देखना है जैसे कुछ आप ढूंढ रहे हैं या कुछ आप खोज रहे हैं। पूरी चेतना के साथ जो दिखाई दे उसको देखें और ना दिखाई दे तो भी उस रिक्त स्थान को देखते रहें। जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको देखना है और कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास के साथ देखते जाना है। जो आप लगातार कुछ दिन तक इस प्रकार देखेंगे तो देखते देखते आपके सामने बहुत सारे दृश्य प्रकट हो सकते हैं। लेकिन शुरू में एकदम इस क्रिया को करने से कुछ नहीं होता। जब आप पहले के सभी अभ्यासों को करेंगे उसके बाद जब इस अभ्यास में प्रवेश करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे बिना कल्पना के वो सब कुछ दिखाई देगा जो आपके अंदर दबा हुआ है, आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, आपके जन्मों के क्रियाकलाप, संस्कार, मान्यताएं यहाँ पर प्रकट हो सकती हैं। आपको लगातार यहाँ देखते रहना है और कुछ नहीं करना है। और जब आप अभ्यास करेंगे तो लगातार 30 मिनट तक वहाँ देखना है। शुरू के 15 मिनट में 5 से 10 मिनट तक भस्त्रिका या दौड़ना और उसके बाद फिर लेट जाना और फिर 30 मिनट तक लगातार देखते रहना है। बस कुछ 30 मिनट में कुछ समय बाद दृश्य आना शुरू हो जाते हैं या फिर एक स्वप्न की तरह आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको अद्भुत अनुभव होगा और ऐसा अनुभव जो केवल आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। और ऐसा आनंद आपको मिलेगा जिसको शब्दों में आप नहीं बता सकते। क्योंकि जो भी आपको दिखाई दिया या दिया रहा है उसको देखते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे, अपने श्वासों का ख्याल करें, श्वास के प्रति सजग हो जाएं, नासारंध्र में वायु के प्रवेश को अनुभव करें और वायु के स्वाद का विश्लेषण करें। अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान दें। आपकी जो ब्रीदिंग चल रही है उसको महसूस करें। श्वास के अंदर जाने और बाहर आने के प्रति सजग हो जाएं और श्वास की संवेदनाओं के प्रति साक्षी बने। श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है उसे महसूस करें और बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। सर्दी, गर्मी या जो भी महसूस हो रहा हो उसे महसूस करें और धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को रब करना है। हाथों को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं
और हाथ के हथेलियों को गर्म करें, रगड़ें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बाएं कवर लेकर उठकर बैठ जाएं। जब आप यहाँ गहराई में दृश्यों को देखेंगे तो सबसे पहले आपके मन के वह विचार यहाँ प्रकट होंगे जिनसे आप परेशान हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर के स्तर पर होते हैं। जो समस्याएं हमारे अवचेतन मन के स्तर पर संग्रहित होती हैं वह स्वप्नवत चिदाकाश धारणा में प्रकट होती हैं। यह संकेत होता है कि आप इनको दूर करें, उन पर विचार ना करें, उन्हें निकल जाने दें। अपने अवचेतन से पूर्ण सजगता के साथ उन पर रुकना नहीं है। जब भी आपकी समस्या से संबंधित दृश्य प्रकट हों, आपको सतर्क हो जाना है, सजग हो जाना है, जानना है और पूर्ण साक्षी बनकर उस दृश्य को देखना है। और इस प्रकार लगातार कुछ दिन जब हो जाएंगे तो दृश्य आना भी वहाँ बंद हो जाते हैं। जब वह समय होगा आपके अपने आनंद का, जहाँ पर पहुँच कर के आपको केवल आनंद की प्राप्ति होगी, आप वर्तमान में रहने लगेंगे और भूत भविष्य की चिंताओं से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इन अभ्यासों को करके आप गहन सजगता और गहरे अनुभव कर पाएंगे। इन अनुभवों को अध्यात्म में अंदर प्रवेश करने के लिए और सत्मान परमात्मा की शक्ति को पाने के लिए सहायक होंगे। इस सारे अभ्यास क्रम से आपको 11 से 21 दिन कम से कम करने हैं एक एक अभ्यास, और एक अभ्यास को पूरा करने के बाद ही दूसरे अभ्यास में प्रवेश करना है। ये 6 अभ्यास हैं जो 5वां अभ्यास है कल्पना वाला, उसमें आप अपनी मर्जी से अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उस अभ्यास पर जब पहुँचें तो नई नई कहानियाँ या नए नए दृश्य वहाँ देखने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार लगातार इन अभ्यासों को करते हुए आप सहज में उस सुप्रीम पावर को पालेंगे जिसकी केवल कल्पना की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। ओम।